अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यू फाइनल ईयर डीपीटी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज का ये जो सेशन है ये एक्सक्लूसिवली जो न्यू फाइनल ईयर आई है उनके लिए रखा है। इसमें से हम बेसिकली आपको बताएंगे कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, उनके मार्क्स वगैरह कितने हैं और उसमें आपने बुक्स कौन कौन सी लेनी है, इस चीज़ ये सारा आपको ब्रीफली गाइड करेंगे और एंड पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करेंगे हम इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आफिस शफीक है और मैं हेड कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो हमारे साथ होंगे वो मारिया ताहिर है, वो कोऑथर है आफिस एल्फा सीरीज़ की। उसके बाद फिला आमिर है, वो ये कंडक्ट कर रही है सारा और वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से है। उसके बाद डॉक्टर मायरा परवेज होंगी, जो ग्रेजुएटेड हैं फ्रॉम राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, और हमारे साथ डॉक्टर फिरोजा नवाज होंगी, वो हैं जामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट, और हमारे साथ होंगी डॉक्टर मेहरुन्निसा, वो हैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, वो भी हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फाइनल ईयर का, और अभी इंट्रोडक्शन से पहले मैं मायरा परवेज को कहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दे, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मायरा परवेज, आपको आवाज आ रही है? मायरा, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें फिर मैं थोड़ा सा स्टार्ट। मुझे आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। मेरा अपना इंट्रोडक्शन करवा दो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ बाकी। डॉक्टर अना यूसुफ भी हमारे साथ होंगी, हाफिज़ एल्फा सीरीज में टीम मेंबर है। डॉक्टर अना यूसुफ, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अना हूँ और डीपीटी मैंने जो है इसराइल यूनिवर्सिटी से किया था कराची कैंपस, और उसके बाद एम्फिल स्पोर्ट्स मेडिसिन भी मैं वहीं से ही कर रही हूँ, और उसके साथ साथ अपना मेरा एक क्लिनिक है जो मैं कर रही हूँ। उससे पहले 2 इयर्स की मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और बहुत सारे क्लिनिक्स में वहाँ पे रोटेशंस भी कर चुकी हूँ। जी थैंक यू। अभी मैं आपको बता देता हूँ फाइनल ईयर में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उनके नाम फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 2 है, नंबर 2 फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 3। जी आ रही, आ रही, आप स्टार्ट। आई थिंक डॉक्टर मायरा का कोई इशू है इंटरनेट का। अभी मैं आपको बता रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी आ रही है। अच्छा ठीक है। इसमें जो फाइनल ईयर है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में है, इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें आ जाता है फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 2 आ जाता है, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 3 आ जाता है, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था। जी जी आप करें। हेलो। जी जी आप स्टार्ट करें मैडम। तो फिर मेरा उनका डिस्कनेक्ट हो गया।
अच्छा, आपका चौथा सब्जेक्ट रिसर्च है और पांचवा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, और इसमें जो टोटल मार्क्स है आपके फाइनल ईयर के वो 800 मार्क्स है आपके। इसमें जो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 2 है ये 200 मार्क्स का है, इसके 100 मार्क्स की थ्योरी होगी, 100 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। इसी तरह फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 3 है, इसका भी 200 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी होगी और 100 मार्क्स की ही आपका प्रैक्टिकल होगा। इसी तरह रिसर्च का है, उसकी भी थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल होगा। और इसके बाद जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ये आपका 100 मार्क्स का है और इसमें आपकी थ्योरी ही होगी, आपका वाइवा नहीं होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस से, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है ये भी आपकी थ्योरी ही होगी और ये 100 मार्क्स की होगी और ये टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। जैसे आपको फोर्थ ईयर में हुआ था रेडियोलॉजी एंड एमरजेंसी का टोटली एमसीक्यूज बेस्ड था, इस तरह जो फाइनल ईयर में प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड ही है सारा। और इसके बाद मैं आपको बुक्स का बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो वो देख लें या आपको ये पिक्चर भी आपको सेंड कर दी जाए। अच्छा, इसमें जो आपका फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 2 है इसमें आगे फर्दर 4 बुक्स आ जाती हैं, इसमें कार्डियो पल्मोनरी आ जाती है, उसके बाद गायनाकोलॉजी, उसके बाद इंटेगोमेट्री और मैनुअल थेरेपी। ये चारों बुक्स आपकी आपका एक पेपर होगा चारों बुक्स का मिला के। फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 2 का एक पेपर होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें कार्डियो पल्मोनरी है, गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है, इंटेगोमेट्री है और मैनुअल थेरेपी है। और इनकी बुक्स आगे मेंशन की गई हैं और आपने एडिशन भी यही लेने हैं जो इसमें मेंशन किए हुए हैं, इससे लेटेस्ट एडिशन भी नहीं लेने और इससे बैक वाला एडिशन भी नहीं लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाले एडिशन ही है, ऊपर मेंशन किए हुए हैं एडिशन, आपने वही एडिशन लेने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कार्डियो पल्मोनरी के लिए, इसमें इसेंशियल्स ऑफ कार्डियो पल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, कुछ कॉलेज में ये पढ़ाई जाती है और कुछ कॉलेज में पढ़ाई जाती है। जी मैं शो करवा रहा हूँ, अब शो हो रहा है? हाँ जी। चलें जी। सर हम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं? जी जी, आप आपको सेंड भी कर दी जाएगी, स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट लेने का मसला नहीं है, इसमें आपकी मेहनत लगेगी स्क्रीनशॉट में तो अच्छा बात है, आप वर्क करते रहेंगे साथ। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें कार्डियो पल्मोनरी की 2 बुक्स हैं, इसमें से कुछ कॉलेजेस में इसेंशियल्स की पढ़ाई जाती है और कुछ कॉलेजेस में जेनिफर की पढ़ाई जाती है, ये आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपने वही लेनी है और पेपर दोनों बुक से ही हो जाता है और दोनों ही बड़ी बुक्स हैं, ठीक है। और इसके बाद गायनाकोलॉजी की है, इसकी एक ही बुक है और आपने यही लेनी है जगमेंटल की। और इंटेगोमेट्री फिजिकल थेरेपी है, इसकी भी एक ही बुक है वाउंड केयर एसेंशियल और यही हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इसके बाद आ जाती है मैनुअल थेरेपी, इसके आगे फर्दर 3 बुक्स हैं, इसमें एक आ जाती है मेटलैंड की बुक, आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा थेरापिटिक्स की बुक में, मेटलैंड के ग्रेड्स पढ़े होंगे और आपने कैल्टन बॉन्ड के मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो ये आगे बुक्स हैं सारे, ठीक है। मेटलैंड की बुक आपने लेनी है, आपने कैल्टन बॉन्ड की बुक लेनी है और आपने मूलीगान की बुक लेनी है। और ये जो एडिशन लिखे हुए हैं मेटलैंड का, आपने 7th एडिशन ही लेना है, मेटलैंड का 7th एडिशन ही लेना है, इससे आगे वाला 8th एडिशन नहीं लेना, क्योंकि उसमें चीज़ें जो इंक्लूड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो 7th एडिशन है उसकी चीज़ें ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। इस तरह कैल्टन बॉन्ड की भी एक ही बुक है, वो आपने स्पाइन वाली लेनी है, उसके बाद आपके आ जाती है मूलीगान वाली, वो 5th एडिशन ही आपने लेना है। ये हो गया आपका फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 2। इसके बाद आ जाता है फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 3, इसमें भी आगे फर्दर 4 बुक्स ही हैं, इसमें आ जाता है पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, उसके बाद आ जाता है जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी और उसके बाद आ जाता है ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। इसमें जो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी है, इसमें हर कॉलेज में
यही बुक अलेक्जेंडर की बुक ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जेरियाट्रिक्स की बुक है, इसकी भी सेम एक ही बुक हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। उसके बाद स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी है, इसमें जो हमने फर्स्ट में लिखा हुआ स्पोर्ट रिहेबिलिटेशन एंड इंजरी प्रिवेंशन बाय पॉल कंफर्ट, जो हमारे सिलेबस का कंटेंट है वो इसी बुक से उठाया हुआ है और यही बुक पढ़ी जाती है और ये इजी भी है। और जो कंटेंट इस बुक में नहीं है वो जो नीचे लिखी हुई है क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन बाय ब्रकलर एंड खान, उसमें से आप कॉपी करवा लीजिएगा या आपके कॉलेज में अगर पढ़ाते हैं तो वो स्लाइड से पढ़ाएंगे इसी बुक से, तो इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पॉल की बुक में नहीं होगी वो आप यहाँ से फोटोकॉपी करवा लीजिए। और इस तरह ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स है, इसकी कोई स्पेशल बुक अवेलेबल नहीं है। आपने जो फोर्थ ईयर में फिजिकल रिहेबिलिटेशन न्यूरो पीटी के लिए पढ़ी है उसी में से एक चैप्टर है ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स। आवाज आ रही है? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी आ रही है। या कहाँ तक पहुँचे थे हम? आप हुआ था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स पढ़ा रहे थे। ठीक है। ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है। इसमें जो हमने फोर्थ ईयर में आपने न्यूरोपीटी पढ़ी है ना फिजिकल रिहेबिलिटेशन बेसिस अंजहाल से, उसी में एक चैप्टर है ऑर्थोटिक्स के नाम से, आपने वो करना है पूरा। और उसके बाद जो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी की बुक है अलेक्जेंडर की, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है ऑर्थोटिक्स, आपने वो वाला अच्छे से करना है। और उसके बाद एक नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन की बुक है, NPTE कहते हैं, आपके सीनियर्स ने भी यही पढ़ी होगी और मोस्टली यही लोग पढ़ते हैं, तो आपने वो वाली बुक से भी ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स करना है। ठीक हो गया, ये PT2 और PT3 दोनों के हो गए सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसकी एक ही बुक है और हर कॉलेज में एक ही पढ़ाई जाती है। उसके बाद आ जाता है रिसर्च का, इसकी जो रिकमेंडेड बुक है वो है रिहेबिलिटेशन रिसर्च और ये आपने लेनी भी है। और इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम साहब की बुक है जो आपने फोर्थ ईयर में पढ़ी होगी, उसमें से आपने पहले अपने 9 चैप्टर पढ़े होंगे फोर्थ ईयर में, लेकिन जो फाइनल ईयर का सिलेबस है वो आपका चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक है मोहम्मद इब्राहिम साहब की बुक से। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन फिजिकल थेरेपी एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, इसमें जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए बुक है वो प्रोफेशनलिज्म इन फिजिकल थेरेपी है, ये एक ही बुक है और हर जगह पर यही पढ़ाई जाती है और इसमें डिटो लाइन्स आती हैं, आपने इसको रट्टा लगाना है। इसमें डेट्स भी पूछी जाती हैं, साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है और बाकी चीज़ें भी पूछी जाती हैं और ये बुक की लाइन ही होती है इसमें। और उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, इसमें जो मोस्टली बुक पढ़ाई जाती है वो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर मैनुअल मेरियन लवडे की बुक है और इसी में से पढ़ाते हैं मोस्टली। हमें लास्ट टाइम तो इसमें से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन उससे पिछले बैच में इसी बुक में से आया था पेपर। और एक वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का एक आर्टिकल है वो भी हमने पढ़ा था, लेकिन हमें कुछ नहीं आया था, हमारे जो सीनियर थे उनको उसमें से MCQs आए थे। ये आपकी बुक्स हो गई हैं। और मायरा आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज आ रही है, आप सबको आ रही है मेरी आवाज? और मैं मायरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मायरा परवेज फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर की पोजीशन होल्डर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी और आपने जो क्वेश्चंस पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं आप। जी मायरा पर जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है आपको। ठीक है, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था थोड़ा इस वजह से,
जैसे हाफिज भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो बुक्स वगैरह का भी उन्होंने बता दिए। मैं एक हर सब्जेक्ट का आपको ब्रीफली बताती जाती हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या है, और उसके बाद फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो भी आप लोगों ने करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीटी टू का बताती हूँ। पीटी टू में हमारे पास मेटलैंड, मुलिगन, कैल्टन बॉर्न, हाफिज भाई मैं जहाँ पे भूलूं मुझे बताइएगा। अच्छा हाँ अच्छा जी, अब मेटलैंड जो है ना उसका पहले मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देती हूँ। मेटलैंड में इस तरह से कि बहुत ज्यादा लेंथी बुक है, इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये होता है कि आपको इसको पढ़ने के लिए थॉरो रीडिंग देनी होती है हर एक चैप्टर को। आप थॉरोली उसको रीड करो और जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है ना जस्ट आप उसको अंडरलाइन कर लो। ज्यादा इसमें ये होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट ले लेते हो फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो। मैं ऐसे ही इसको तैयार करती थी कि मैंने रीडिंग कर ली अच्छे से और हाईलाइट कर लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और उसके बाद उसका एक कॉन्सेप्ट ले लिया माइंड में और उसको मैं अपने वर्ड्स में लिख लेती। ये अपने वर्ड्स में लिखी जाती है, ये आसान है इस हवाले से, लेकिन पहले समझनी पड़ती है ये, ठीक है। इसके जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं मेटलैंड के वो बेसिक्स हैं। उसमें हर चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको साथ साथ हम बताते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद एमसीक्यूज भी इसकी लाइंस आती हैं मेटलैंड की, तो इसीलिए आपको इसको थॉरो रीडिंग करना जरूरी है। और टेबल्स इसके इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर एसईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके रीजन्स हैं सर्वाइकल, लंबर थोरेसिक और सैक्रल। ये वाले चार रीजन्स हैं इसके एंड में आते हैं ये चैप्टर्स, और इनमें सर्वाइकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। वो आपको थॉरली अच्छे से पढ़ना है, वो आपकी जब अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो वो आपके आगे असेसमेंट स्किल्स भी इनहांस हो जाएंगी और उससे आपके मैनुअल में भी आपको हेल्प मिलेगी। सो ये ब्रीफ सा मेटलैंड का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैल्टन बॉर्न। कैल्टन बॉर्न बहुत ईजी सी बुक है, छोटी सी बुक है, इसके कुछ ही चैप्टर्स आपने करने होते हैं। वो आपके टीचर्स भी आपको बता देंगे, हम भी आपको बता देंगे इसके जो चैप्टर्स करने होते हैं साथ साथ, ठीक हो गया। कैल्टन बॉर्न के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि इसके जो वाइवा होता है ना, तो इससे आपके इन मेटलैंड, मुलिगन, कैल्टन बॉर्न इनके कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लाजमी पूछी जाती है, तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, और इनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और उसके बाद मुलिगन है, मुलिगन का भी सेम सिनेरियो है। मुलिगन ज्यादातर वो हैंड्स ऑन है, उसमें आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इसमें ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए मुलिगन की प्रैक्टिस। थ्योरेटिकली इसमें से एमसीक्यूज आ जाएं तो वो बुक की लाइंस है, वो छोटी सी बुक है वो भी, तो इसलिए उसमें आपने ज्यादा अपने हैंड्स ऑन पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी रूल्स एंड उसके प्रिंसिपल्स बुक में मेंशन है ज्यादा मुलिगन के हर टेक्निक के, जैसे स्नैग्स हैं, स्नैग्स वो सब आप पढ़ोगे, टेक्निक की इंडिकेशंस क्या है, टेक्निक के यूजेस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कार्डियोपल्मोनरी। कार्डियोपल्मोनरी भी लगता है कि जैसे बहुत एक्सटेंसिव है, इसका सिलेबस आपको इकट्ठा करने में मुश्किल होगी, लेकिन ये है कि आपने जब भी फाइनल ईयर में जब पढ़ना है ना, तो आपके पास आपका यूएचएस का सिलेबस होना जरूरी है ताकि आप हर टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के पढ़ सको, ठीक है। कुछ टॉपिक आपको बुक से नहीं मिलेंगे, वो आपको इंटरनेट से मिलेंगे, कुछ इसके मेडिसिन की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। टाइडीज की एक बुक है, वो उसमें दो चैप्टर्स होते हैं, वो वहां से करने होते हैं जो मेन जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसके चार पांच चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका चैप्टर वन असेसमेंट वाला है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो है कार्डियोपल्मोनरी की, वो सारा का सारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीयू वाला, आईसीयू मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियोपल्मोनरी के हवाले से। कार्डिक रिहैब एंड पल्मोनरी रिहैब, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनपीटी, एनपीटी को अच्छे से उसका कार्डियोपल्मोनरी वाला पोर्शन आप लोगों ने करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा पीटी टू में गायनी है। गायनी जैसे हाफिज भाई ने बताया जिल मेंटल की बुक है जो आपने पढ़नी है, लेकिन जिल मेंटल जो जो आरएलएमसी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है कि जो जिल मेंटल है उसको आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो हमारी वाइवा लेने आती है डॉक्टर रेहाना, वो हमारी जो इंटरनल है वो उस बुक में से बहुत थॉरली पूछती हैं,
ठीक है, तो इसलिए आरएलएमसी के बच्चों के लिए ये बुक बहुत थॉरली करना जरूरी हो जाता है। लेकिन वैसे अगर आप इस बुक को करो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेगी क्योंकि आगे आपने इसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होना है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थेरेप्यूटिक के लास्ट दो चैप्टर हैं, विमेन हेल्थ और लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला, ये दो चैप्टर भी जो है ना अगर आप कर लेंगे, क्योंकि हमें जब पेपर आया था ना तो इस बुक की लाइंस ही आई थी, थेरेप्यूटिक के लास्ट दो चैप्टर की डिटो लाइंस आई हुई थी हमें, तो आप वो चैप्टर जो है ना, वो दो चैप्टर उनको छोड़ना नहीं है आपने गायनी में। अच्छा, उसके अलावा आपके पास PT2 में और कौन से सब्जेक्ट रह गए? इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री जो है ना, हमें हमारे कॉलेज में 10 से 12 सवाल बताए जाते हैं, वही पढ़ने होते हैं, वही याद करने होते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं जरूर आपको, मुझे रिमाइंड कराएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो उसमें से पेपर आता है ज्यादातर, सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो शेयर हम आपसे कर देंगे। मतलब हम, मैं अपना पर्सनल आपको जो बता रही हूँ, बाकी आपके कॉलेजेस में क्या सिनेरियो है वो मैं नहीं जानती हूँ। ठीक हो गया, तो PT2 के हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? वैसे इसमें ज्यादातर वो प्रेशर अल्सर्स वगैरह ही आते हैं। अभी एक बार आप सारा एक्सप्लेन कर दो एक करके, उसके बाद फिर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद PT2 के बाद आपके पास है PT3। PT3 सब्जेक्ट बहुत एक्सटेंसिव है, आप लोगों को ये PT2 और PT3 को कवर करने के लिए इस चीज को सब लोग माइंड में रखें कि फाइनल ईयर को लीनियंट होकर लेना नहीं है। आपको हर बुक की एटलीस्ट आपने थॉरली रीडिंग की हो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हो, जो नोट्स बनाता है वेल एंड गुड, वो PT3 के PT2 के नोट्स बनाए, क्योंकि ये इतने एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स हैं कि जब आपका पेपर होता है प्रॉफ, उसमें आपको दो छुट्टियां होती हैं ज्यादा से ज्यादा, उसमें आपने इस सबको कवर करना होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आपका स्टार्ट है, तो आप इसको साथ साथ लेके चलो। किसी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं करना है कि मैं लास्ट पे छोड़ू, कोई सब्जेक्ट जो आप लास्ट पे छोड़ोगे फिर वो आप नहीं कर पाओगे। तो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी है, ये आपके अलेक्जेंडर है बुक, उसमें करनी है। उसके भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कुछ, ज्यादा उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें ये होता है कि ज्यादा आपने फोकस क्या करना है, जो मेन कंडीशंस हैं, जैसे सेरिब्रल पैलसी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, इसी तरह स्पाइना बाइफिडा, न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस वाला चैप्टर पूरा है, थॉरली आपने करना है उसको, बिल्कुल उसका कोई पॉइंट नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। इसी तरह मतलब जो भी जितने भी चैप्टर्स है ना, जो ये कंडीशंस वाले हैं, वो सबसे पहले आपने करने हैं। और NPT में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके सिलेबस से रिलेटेड अवेलेबल है, जैसे माइलस्टोन्स एंड रिफ्लेक्सेस, जिनमें से MCQs बहुत ज्यादा आते हैं, माइलस्टोन और रिफ्लेक्सेस, MCQs बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत घुमा घुमा के आते हैं। तो माइलस्टोन और रिफ्लेक्सेस के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, और ये आपके माइंड में इम्प्रिंटेड होने चाहिए किस एज में क्या माइलस्टोन अचीव होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा बाकी कंडीशंस जैसे मैंने आपको बता दिए। फिर है जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स की जो बुक है ना, उसका सिलेबस हमारा, मेरा ख्याल है हाफिज भाई सेकंड एडिशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है या थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वो डिफरेंट है, दोनों में ही है, सेकंड और थर्ड दोनों में ही कुछ कुछ टॉपिक। तो बेसिकली जेरियाट्रिक्स जो है ना, इसके दो एडिशन है, जो कि हमेशा सब कंफ्यूज रहते हैं, और आता दोनों में से किसी में से भी है, सेकंड और थर्ड एडिशन है। तो उसमें भी ये है कि हाफिज भाई शेयर कर देंगे हम लोग आपके साथ 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 कि उसमें इंपॉर्टेंट किस बुक से क्या करने वाला है। लेकिन जेरियाट्रिक्स में ज्यादा जिस चीज को आपने एम्फेसाइज करना है, वो फॉल रिस्क एंड इट्स प्रिवेंशन वाला चैप्टर, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट वाला चैप्टर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगेन NPT से भी जेरियाट्रिक्स आप लोगों ने करनी है। डिफरेंशियल डायग्नोस, हाँ नहीं अभी इसमें रहता है, स्पोर्ट्स रहता है। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी बच्चों दो बुक्स हैं करने वाली, एक पॉल है और एक ब्रुकनर एंड खान है। पॉल तो आपने सारी करनी है, ठीक है, उसका स्पेशल रीजन वाला पोर्शन। ब्रुकनर एंड खान के पहले 12 या 13 चैप्टर हैं, स्पोर्ट्स कंकशन तक का चैप्टर है, वो करने हैं ब्रुकनर एंड खान से। एडिशनल नॉलेज गेन करने के लिए अगर आप चाहें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम पूरा
पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब पॉल के रीजन पढ़े जाएंगे ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं शोल्डर पढ़ रहे हैं, तो वो रीजन आप रुकनर एंड खान से भी एक दफा ओवरव्यू कर लेना, उससे होगा कि कुछ पॉइंट्स आपके। लेकिन वैसे ये है कि पॉल में शोल्डर और नी अच्छा लिखा भी नहीं हुआ, ये शोल्डर और नी आपको ब्रुकनर से ही करना पड़ेगा, वहां से बेहतर है। बाकी ये है कि जब आप पॉल से एक रीजन वाला चैप्टर पढ़ो तो वो ब्रुकनर से भी आप पढ़ो, ताकि आपकी कुछ पॉइंट्स उसमें नहीं लिखे वो आप लिख सको। कुछ कंडीशंस ही हैं जो एडिशनल लिखी हुई हैं ब्रुकनर में, वो आप पॉल में लिख लेना फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा। तो हमें भी पेपर, हमें ब्रुकनर से आया था पेपर, और पहले 15 चैप्टर्स में से ही आया था और आसान था, इसलिए स्पोर्ट्स में ज्यादा कंडीशंस एंकल एंड फुट की रिपीट होती हैं, ठीक है। जो इंजरीज हैं कॉमन इंजरीज वो ही आती हैं अगर आती हैं सिनेरियो बेस्ड। करना है वैसे तो कॉलेज की स्लाइड्स भी काफी होती हैं और एनपीटी काफी होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने थॉरल एक्सप्लेन्ड अंडरस्टैंड हमारा, आपकी आवाज नहीं आ रही, वो शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है, तो शायद मायरा का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अभी जूम की मीटिंग में 40 मिनट्स होते हैं, तो वो पूरे होने वाले हैं। आपने अगेन दोबारा से ही लिंक ज्वाइन करना है? जी जी स्टार्ट करें। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे आपको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस में टेबल्स ज्यादातर दिए जाते थे, इसी तरह डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी टेबल्स में से ही आता है ज्यादा जो आपके एस सी क्यूज होते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से भी एस सी क्यूज आते हैं, जैसे इसमें एक चैप्टर है जिसमें पेन पाथवेज एक्सप्लेन किए हुए हैं, पेन पे एक चैप्टर है। वो चैप्टर ऐसा है जिसमें जिसको आपने सारा पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें थ्योरीज मैकेनिज्म ऑफ पेन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, नाइट पेन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से उस चैप्टर के अंदर से आता है। फिर उसके अलावा इतना खास कोई ऐसे चैप्टर नहीं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें अंदर से आता है। उसके अलावा जो बुक के एंड पे एमसीक्यूज हैं वो आते हैं। फिर उसके अलावा गाइडलाइंस फॉर फिजिशियन रेफरल, ये इंपॉर्टेंट है। बुक के जो चैप्टर्स की रीडिंग है वो करनी जरूरी है बहुत, उसको आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि बुक के अंदर से भी एमसीक्यूज आते हैं। हमारे सीनियर्स के तो ज्यादा एमसीक्यूज चैप्टर्स के अंदर से आए थे, ठीक है। तो हमें भी ऐसे हुआ था, हमारी बारे में तो बहुत अनयूजुअल से पेपर से, तो हमें पूरा एक एंडो वाले ही चैप्टर से ना मैक्सिमम एमसीक्यूज आ गए थे। जी बोले। अच्छा जी, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ठीक हो गया ना, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह से करनी है आपने। जी हाफिज भाई, स्टार्ट रखते हैं।
अच्छा नेक्स्ट आपके पास रिसर्च है. रिसर्च के लिए बच्चों आप लोगों ने जो मेन बुक करनी है वो इब्राहिम करनी है. उसको थॉरली अच्छे से कर लेना. उसका जितना रिसर्च वाला पोर्शन है मेरा ख्याल है वो चैप्टर 10 से शुरू होता है और उसके बाद चैप्टर 17 18 तक जाता है. वो सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं और उसके बाद जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं उसमें सैम्पलिंग वाला चैप्टर आपने करना है और बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनमें बेसिक डेफिनेशन मीन मीडियन मोड की डेफिनेशन और जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनसे जैसे आपने फोर्थ ईयर में पढ़ा है ना डेफिनेशन सारी साथ साथ की थी आप लोगों ने तो वही डेफिनेशन आप लोगों ने दोबारा करनी. फिर उसके अलावा ये है कुछ बुक्स दो और भी हैं लेकिन इब्राहिम इज मोर देन इनफ. साइडा अफजल में एक बुक है उसमें एक एथिक्स वाला चैप्टर है वो वहां से करना है. उसका एक चैप्टर लास्ट वाला है वो उसमें कुछ फिजिक्स बताए हुए वो वहां से आप कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस ये साइडा अफजल में लिखा हुआ है. फिर उसके बाद जो एक बुक और भी है एलिजाबेथ है रिहैब रिसर्च के नाम से. वो बुक कुछ कॉलेजेस करते हैं कुछ कॉलेजेस नहीं करते. बुक है भी एक्सटेंसिव नहीं है. वो उसमें ऐसे है कि पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं उसको आपने पढ़ना है बस गेंद के 5-6 लाइनें निकलनी है जो पढ़ने वाली होती हैं. तो वो भी आपको बता देंगे उसमें से क्या क्या करने वाला है. ठीक है तो ये तीन बुक्स मतलब बताने का मकसद था कि मेन आपका फोकस इब्राहिम पे होना चाहिए क्योंकि उससे आपके रिसर्च के कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे और आपका पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा होपफुली अगर इसमें से आपके सिलेबस में से आए. क्योंकि हमारा आउट ऑफ बुक आउट ऑफ सिलेबस आया था हमारा तो MBBS के फोर्थ ईयर की बुक में से आ गया था पता नहीं क्या था. नेक्स्ट आपके पास हाँ लेकिन रिसर्च में जब आपने इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बच्चे बहुत लीनियंट ले जाते हैं इस बात को थीसिस आपका आपका प्रैक्टिकल रिसर्च पोर्शन जिसको बच्चे बहुत नॉन सीरियस तरीके से लेके जाते हैं और उनका फाइनल ईयर के एंड तक रिसर्च लटकती रहती है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर सकते रिसर्च पे कंप्लीट नहीं होती. तो आप लोगों के कॉलेज में बेशक रिसर्च अभी स्टार्ट नहीं हुई आप लोग अपना जो बेसिक रिसर्च टॉपिक है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ढूंढना शुरू कर दें. ठीक है इस पे हाफिज भाई अगर चाहेंगे तो हम आपको डिटेल से अभी भी बता सकते हैं वरना नेक्स्ट कभी इसके बारे में हमें लेक्चर रख लेंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अभी से ढूंढना शुरू कर दें. नहीं भी हुई कॉलेज में कोई इशू नहीं है. जब स्टार्ट हो जाएगी ना आपके लिए आसानी होगी क्योंकि तब तक आप पहला स्टेप